देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड के बाद पक्ष विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष सरकार से NIA जांच की मांग उठा रही है। हिमाचल बीजेपी ने मनोहर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन भी किया। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है। मोर्चा जाकर उनके घरों को जला देते हैं, फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये प्रदर्शन किस चीज के लिए। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम NIA की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हमने कहा हम उसका भी स्वागत करते हैं। जो अपराधी हो जेल की सलाखों के बीच में है तो ये किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। आप देख रहे हैं कि कल पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं आप जाओ, आप 144 लगी है, आप जानते हैं कि उसमें 5-5, 10-10 आदमी करके जा सकते हैं, तो आप जाइए, रोका किसी ने नहीं है। अब धारा 140 में 200-250 का मोब नहीं जा सकता, कट्ठे चले हैं ये कहा, फिर भी वो नहीं गए। आज इस मुद्दे को जिसमें अपराधी जेलों की सलाखों के पीछे, ये पहला आंदोलन मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा जिसमें अपराधी सलाखों के पीछे और भारतीय जनता पार्टी तब आंदोलन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी ही हैं और अपनी राजनीति को करना ही है तो आप किसी और मुद्दे पर आंदोलन कीजिए। अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता तो भी भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हम मान लेते सही है। उनके तो परिवार की बेटियों को भी हमने अरेस्ट करके रखा है, सारा परिवार छोटा वो सबको हमने अरेस्ट करके रखा है, क्योंकि जो भी इस अपराध में सम्मिलित है वो चाहे कोई भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये आंदोलन अपराधी जेल की सलाखों के बीच और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर किसके लिए है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा आप सब्र रखिए। आप लोग अभी ठीक है, 24 का इलेक्शन आपने लड़ना है और जीतना है या हारना है वो तो हिमाचल की जनता तय करेगी, लेकिन मुद्दा हिमाचल के हित का उठाते तो अच्छी बात होती। अभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है जो भी FIR में नाम है। और दूसरी बात मैं एक और भी कहना चाहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी को जो हिमाचल के अधिकार है उसके संबंध में मुद्दा उठाना चाहिए, वाटर सेस में हिमाचल का साथ देना चाहिए।